अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप सब? खैरियत से हैं? और आज की वीडियो, बिल्कुल जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि प्लांट्स, जैसे कि मुझे शौक़ है, आप लोग भी ज़रूर प्लांट्स जो है अपने घर में लगाएं। और इंडोर प्लांट्स जो है, इसकी बहुत बहुत लोग कहते हैं कि इसका इसकी केयर करना मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ इंडोर। जैसे ये मनी प्लांट है, ये तो पानी में लगी हुई है, लेकिन अगर बहुत सारे प्लांट्स मेरे सराउंडिंग में आप देखते हैं कि मिट्टी में लगे हुए हैं, तो उसमें आपने क्या करना होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना है और कुछ नहीं करना। स्प्रे कर दें तो फिर आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं। ये तो खैर बात हो गई प्लांट्स की। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि जी चिकन और वेजिटेबल, चिकन और बीफ वगैरह तो आप बनाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी बनाइए जो लोग चिकन और बीफ और ये सारी चीज़ें नहीं खाते, तो वेजिटेबल बनाइए। आज बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज मैं आपके साथ बना रहा हूँ मखनी सब्ज़ी, ठीक है, यानी कि बटर वेजिटेबल। अच्छा जी, मखनी सब्ज़ी के लिए, बटर चिकन के लिए हमने क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे पास बटर है तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम मक्खन है। उसके बाद ब्लैक पेपर, काली मिर्च है, ये हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच। लाल मिर्च हसबे ज़रूरत। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें फ्रेश क्रीम तकरीबन 1 पैकेट। टोमेटो पेस्ट, ये हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1/4 कप। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। वेजिटेबल में आप जो मर्ज़ी लेना चाहें, मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ गाजर, आलू, मटर और शिमला मिर्च, ठीक है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें सैक का, SAC का चिकन पाउडर। ये आपकी जो बटर चिकन है इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है, तो इसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब रेसिपी। तो जनाब, आपने इंग्रेडिएंट्स देख लिए, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब इसके लिए मैं पैन ले लेता हूँ। अच्छा, पैन जो है अब आपकी चॉइस है आप, मैं इसमें ले लेता हूँ क्लासिक का, मेरे पास ये है जनाब ज़बरदस्त सा पैन, कास्ट आयरन का पैन है। ये थोड़े से हैवी होते हैं, लेकिन इनका बेस जो है वो बड़ा अच्छा जो आप कह लें कि कुकिंग के लिए रहता है। तो अब यहाँ पर एनेक्स की हॉट प्लेट पर स्टार्ट करेंगे और ऑन करते हैं पावर, ठीक है जी। तकरीबन 220 है, मैं इसको 180 पे मैंने सेट कर लिया है। सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसमें ऑयल यूज़ करेंगे, तकरीबन ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे 1/4 कप, ठीक है, 1/4 कप के करीब हम ऑयल, यानी कि तकरीबन 4 खाने के चम्मच। उसके साथ अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट, लहसुन अदरक की पेस्ट हमने शामिल कर दी है। और यहाँ से अब मैं लेता हूँ स्पैचुला, लहसुन अदरक की पेस्ट को हल्का सा सौते करेंगे, हल्की सी। जब ये आप देखेंगे हमारे पास अच्छी सी स्मेल आ गई है और इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, तो बस इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे और बहुत जल्दी झटपट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें टोमेटो पेस्ट, टोमेटो पेस्ट के बाद ही अब मैं शामिल करूंगा काली मिर्च, काली मिर्च के बाद कुटा भुना कुटा ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, नमक डालेंगे और अब इसको मसाले को थोड़ा सा भूनना है ताकि मसाला हर चीज़ अच्छे से परफेक्ट भुन जाए। और अब शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि टोमेटो पेस्ट जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाए और मसाला भी अच्छे से डन हो जाए। और अब बारी है, हमारे पास चिकन पाउडर मौजूद है, चिकन पाउडर ऐड करेंगे जो कि हमारे मखनी सब्ज़ी को बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। तो ये चिकन पाउडर मैंने शामिल कर दिया है सैक का। और अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ियाँ, जिसमें हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च, गाजर, थोड़ा सा सौते कर लेंगे क्योंकि हमारे पास आलू मटर ऑलरेडी डन हैं, उबले हुए हैं, बस गाजर को और शिमला मिर्च को थोड़ा सा पका लेंगे, हल्का सा पानी ऐड कर रहा हूँ
थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है, ठीक है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। और अब बारी है इसमें क्रीम ऐड करने की, क्रीम ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगा, क्योंकि क्रीम डाल के आपने फ्लेम को करना है स्लो, ताकि क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए और फट ना पाए। हमारे पास क्रीम मैंने डाल दी है और अब बारी है इसमें अगेन थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा। और क्यों डाल रहा हूँ पानी, अब आपको बताते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन चौथाई कप के करीब पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसमें आलू मटर डाल देंगे। आलू मटर डालने के बाद इसको आप मिक्स करेंगे ताकि क्रीम और पानी मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, पानी की जगह आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, राइट, लेकिन क्रीम अगर आपकी अच्छी रिच है तो फिर दूध की जगह आप पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। कलर आप देख रहे हैं, बेहतरीन सा हमारे पास वेजिटेबल का कलर आ गया है। और अब क्योंकि इसमें आलू गाजर गली हुई है, सिर्फ हमने आलू और मटर गले हुए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए, लाइक 5 मिनट के लिए, अब मैं इसको कवर करूँगा, और ताकि हमारी जो गाजर है वो सॉफ्ट हो जाए। और जनाब यहाँ पर हमारे पास बटर वेजिटेबल्स तैयार हैं, ये देखिए ज़बरदस्त सा टेक्सचर, खूबसूरत कलर और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। चलिए अब इसको फाइनल करते हैं, डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और अब जनाब वेजिटेबल तैयार है डिश आउट होने के लिए, और इसको आप पराठों के साथ खाइए, नान के साथ, चपाती के साथ, बहुत मज़ेदार आपको लगेगी। राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप इसको तंदूरी पराठा या पराठे के साथ सर्व कीजिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक के मक्खन अभी तक नहीं डाला है, तो मक्खन कब डलेगा? बिल्कुल मक्खन डलेगा बिल्कुल एंड में, जब आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी को सर्विंग कर रहे हैं कढ़ाई हांडी में, जिसमें जिस भी बाउल में, किसी में भी चीज़ में, तो उसके ऊपर से हम इस पर मक्खन डालेंगे। और अब बारी है इसमें मक्खन डालने की। तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी, अब ज़बरदस्त है या नहीं ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, कि आज की ये हमारे पास बटर वेजिटेबल की रेसिपी आपको कैसी लगी, यानी कि मखनी सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के साथ होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।